नमस्कार, मैं अनामिका बिहार की 25 खबरों के साथ। चलिए बढ़ते खबरों की ओर। बोध गया में मनाया गया भारत पर्यटन पर्व। भारत पर्यटन पर्व के दौरान बोध गया के एक होटल में पहुंचे 45 चाइनीज सदस्य। पर्यटक दल का स्वागत खादा व फूलों को देकर किया गया, जिनके स्वागत हेतु चीनी भाषा में बैनर भी लगाए गए। बता दें कि यह पर्यटन पर्व 13 अक्टूबर तक मनाया जाएगा। पटना गया रेल मार्ग पर ट्रेनों का परिचालन रद्द व कई के रूट परिवर्तित। 6 अक्टूबर 2019 को रद्द रहने वाली ट्रेनें हैं गाड़ी संख्या 53627 किउल गया पैसेंजर एवं दूसरी गाड़ी संख्या 33541 पटना गया पैसेंजर, जो कि आज रहेगी रद्द। बिहार सिपाही भर्ती के लिए बम्पर बहाली। बिहार में सिपाही पद की बहाली के लिए 5 अक्टूबर से ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो रही है, जिसमें 11,880 सिपाही पदों के लिए केंद्रीय चयन पार्षद सिपाही भर्ती ने अधिसूचना जारी कर दी है। अधिसूचना के मुताबिक बिहार पुलिस, बिहार सैन्य पुलिस, विशेषीकृत इंडिया रिजर्व वाहिनी, रिजर्व वाहिनी, बिहार राज्य औद्योगिक सुरक्षा वाहिनी में रिक्त सिपाहियों की पदों पर बहाली होनी है। इसके लिए आवेदन की अंतिम तारीख 4 नवंबर 2019 है। योग्यता 12वीं कक्षा उत्तीर्ण, योग्य व इच्छुक उम्मीदवार इसके वेबसाइट csbc.bih.nic.in के माध्यम से अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। राजद के पूर्व सांसद ने कही ये बात। राजद के पूर्व सांसद शैलेश उर्फ बुलो मंडल ने कहा है कि इस बार होने वाले उपचुनाव में जदयू का खाता तक नहीं खुलेगा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि इस बार सुशासन बाबू की कलई खुल जाएगी, जो कि राज्य में कानून व्यवस्था को ध्वस्त कर चुके हैं, जिसके बाद राज्य सरकार की उल्टी गिनती हो जाएगी शुरू। केंद्र सरकार ने बिहार को बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के लिए सहायता राशि देने का ऐलान किया। मोदी सरकार ने राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष NDRF व STRF को अकाउंट के आधार पर 613.75 करोड़ की अग्रिम सहायता राशि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों की मदद के लिए देने का ऐलान किया है, जिसके अंतर्गत राहत व बचाव कार्य एवं पुनर्वास के लिए बिहार को 400 करोड़ एवं दूसरी किस्त के रूप में बिहार को 213.75 करोड़ रुपए मिलेंगे। बिहार बोर्ड की इंटरमीडिएट परीक्षा 2020 के लिए तारीख तय। बिहार बोर्ड उच्च माध्यमिक परीक्षा 2020 के लिए परीक्षा की तारीख जारी कर दी गई है, जो कि 3 फरवरी 2020 से परीक्षा होगी शुरू एवं 13 फरवरी तक चलेगी। अब बिना दाखिल खारिज के नहीं हो सकेगी जमीन की रजिस्ट्री। बिहार सरकार ने जमीन निबंधन के लिए प्रक्रिया में नए बदलाव कर दिए हैं, जो कि नई व्यवस्था के लिए भूमि राजस्व विभाग रजिस्ट्री एवं अंचल कार्यालय को नए सॉफ्टवेयर से जोड़ने की तैयारी चल रही है, जिसमें अब पुश्तैनी जमीन का बंटवारा करने के बाद ही जमीन की रजिस्ट्री हो पाएगी एवं एक ही जमीन कई लोगों को बेचने वाली प्रथा खत्म हो जाएगी। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत कार्य के लिए जांच एजेंसियों को बिहार में बुलाया गया। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने विशेष पहल करते हुए केंद्र सरकार की जांच एजेंसी संगठनों को बिहार के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में लगाया है, जिसके लिए महत्वपूर्ण बैठक कर प्रभावित क्षेत्रों में पूरी तत्परता दिखाते हुए काम करने का निर्देश दिया गया है। दशहरा मेले के दौरान गांधी मैदान की सुरक्षा को लेकर प्रशासन ने अधिकारियों को तैनात किया, जिसके लिए सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से अधिकारियों को पटना DM के हवाले किया गया है, जो कि पटना समाहरणालय से इन अधिकारियों के मजिस्ट्रेट के रूप में ड्यूटी लगाई जाएगी। बता दें कि इस ड्यूटी में असरत फिरोज, राजेश परिमल, संजय कृष्ण, मनोज कुमार, विनोद कुमार सिंह, रवीश किशोर, श्याम देव नारायण सिंह एवं राम बाबू कुमार को भी शामिल किया गया है। भाजपा और राजद दोनों ने मिलकर बोला, जदयू के CM नीतीश कुमार ही हैं पटना के हालत के लिए जिम्मेदार। BJP एवं जदयू के नेताओं के बीच बढ़ते तकरार की वजह से इन दिनों केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने पटना के बिगड़े हालात के लिए CM नीतीश कुमार को पूरे तरीके से जिम्मेदार माना है, जिनके समर्थन में राजद के वरिष्ठ नेता रघुवंश प्रसाद ने कहा है कि यह सही है, ताली भी सरदार को तो सुनना भी सरदार को। इस बयानबाजी के बाद प्रदेश की सियासत में अलग ही रंग आ चुका है। अब स्नातक पार्ट 1 की परीक्षा से वंचित छात्र छात्रा ले सकते हैं एडमिशन। मुजफ्फरपुर JNN के रजिस्ट्रार कर्नल अजय कुमार राय ने कुलपति डॉक्टर RK मंडल ने शुक्रवार को इसकी अधिसूचना जारी कर दी है कि स्नातक पार्ट 1 सत्र 2019-22 के लिए दाखिला ले सकते हैं। जहां कहीं भी सीट खाली है वहां डिग्री में नामांकन ले सकते हैं, जिसके लिए शनिवार 4 अक्टूबर से लेकर 11 अक्टूबर तक आवेदन के लिए समय सीमा दी गई है। बता दें कि कई छात्रों का कई वजह के कारण दाखिला नहीं होने के कारण यह फैसला लिया गया है। राजधानी पटना को 13 पुलिस जोन में बांटा गया। राजधानी पटना में मेले को लेकर इन दिनों पुलिस व प्रशासन हरकत में है, जिसके लिए सुरक्षा कारणों से पटना को 13 जोन में बांटा गया है, जिसके हरेक जोन में वरीय दंडाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारियों को तैनात किया गया है। बता दें कि शहर में कुल 27 पैदल गश्ती दल तैनात रहेंगे, जिनमें एक पुलिस पदाधिकारी एवं 2 जवान भ्रमण करेंगे। बिहार BJP प्रवक्ता डॉक्टर निखिल आनंद ने CM व DC का साथ दिया। लगातार CM व DC पर बाढ़ के मंजर बन रहे बिहार को लेकर हो रही बयानबाजी के संबंध में बिहार BJP के प्रवक्ता डॉक्टर निखिल आनंद ने कहा है कि बिहार की हालत को भारत सरकार ने महसूस किया है, जिसके बाद ही केंद्र सरकार PM मोदी ने बाढ़ से राहत के लिए जारी किए हैं 613 करोड़।
त्योहारों को लेकर शुरू होगी ट्रेनें स्पेशल। त्योहारों व छुट्टियों को लेकर समस्तीपुर से मुजफ्फरपुर, हाजीपुर छपरा से गोरखपुर के रास्ते दिल्ली और दरभंगा के बीच स्पेशल ट्रेन का परिचालन किया जाएगा, जिसमें दिल्ली से दरभंगा गाड़ी संख्या 824-10 एसी सुविधा के साथ चलेगी, जबकि गाड़ी संख्या 04023 एवं 82409 जो कि 8 अक्टूबर से 1 नवंबर तक परिचालित की जाएगी। सुपर 30 के आनंद कुमार को महावीर अवार्ड 2019 के लिए चुना गया। महावीर फाउंडेशन द्वारा बिहार के सुपर 30 कोचिंग के डायरेक्टर आनंद कुमार को आईआईटी की प्रवेश परीक्षा की तैयारी करवाने वाले कार्य के लिए उन्हें महावीर अवार्ड 2019 दिया जाएगा, जिसके बारे में आनंद कुमार ने कहा है कि यह मेरे लिए बहुत ही सम्मान की बात है और इसके लिए मैं कमेटी का शुक्रगुजार हूँ। बता दें कि आनंद कुमार ने वर्ष 2003 में कोचिंग की शुरुआत की थी, जिसमें वे चुनकर 30 छात्रों का चयन कर उन्हें आईआईटी की निःशुल्क तैयारी कर संस्थान में दाखिला दिलवाते हैं। बिहार में बाढ़ की वजह से शिक्षक नियोजन की तारीख भरी। बाढ़ की वजह से शिक्षक नियोजन की तिथि बढ़ाकर 17 अक्टूबर से 9 नवंबर तक कर दी गई है, जिसके अंतर्गत अब 9 नवंबर तक नियोजन इकाइयों में आवेदन जमा लिए जाएंगे। पहली खेप में 100 टन कश्मीरी सेब बेचेगा बिस्कोमान। सारण के बिस्कोमान केंद्रों का निरीक्षण करने पहुंचे अध्यक्ष डॉक्टर सुनील कुमार सिंह ने पत्रकारों को बताया कि बिस्कोमान अब बिहार और झारखंड में 100 टन पहली खेप कश्मीरी सेब बेचेगा। नेफेड द्वारा बिस्कोमान के चेयरमैन सुनील सिंह के निर्देश पर MD राम प्रताप सिंह ने पत्र भेजने के पश्चात इस बात का फैसला किया है। नेफेड भारत सरकार द्वारा बनाई गई नोडल एजेंसी है, जिसको सरकार ने सेब बेचने का जिम्मा सौंपा है। नेफेड ने ही बिस्कोमान को बिहार व झारखंड में कश्मीरी सेब बेचने के लिए नोडल एजेंसी बनाई है। बिहार बोर्ड ने रद्द किए 91 कॉलेज के एफिलिएशन। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने मुजफ्फरपुर समेत 6 जिलों के 91 इंटर कॉलेजों की एफिलिएशन को रद्द कर दिया है। मुजफ्फरपुर में सर्वाधिक 25 कॉलेजों का एफिलिएशन रद्द किया गया है। वहीं पूर्वी चंपारण जिले के 22, वैशाली के 21, सीतामढ़ी के 13, पश्चिमी चंपारण के 8 तथा शिवहर जिले के 2 कॉलेजों की एफिलिएशन रद्द कर दी गई है। एफिलिएशन रद्द होने के बाद शिक्षकों ने बोर्ड के फैसले को जानबूझकर लिया हुआ फैसला करा दिया है। BPSC PT का ऑनलाइन एडमिट कार्ड हुआ जारी। बिहार में बाढ़ की वजह से लोगों का जनजीवन अधिक प्रभावित हो चुका है, जिसे लेकर BPSC PT के अभ्यर्थियों ने परीक्षा की तिथि बढ़ाने का निवेदन किया है, जिसमें एक पटना विश्वविद्यालय के एवं एक जहानाबाद के छात्र हैं, जिन्होंने BPSC के चेयरमैन को सोशल मीडिया पर संदेश के माध्यम से तारीख बढ़ाने की मांग की और कहा कि बाढ़ व जल जमाव के कारण नहीं है मानसिक रूप से तैयार। बता दें कि BPSC PT की परीक्षा 15 अक्टूबर से शुरू है, जिसके लिए अभ्यर्थियों को 5 से 13 अक्टूबर तक एडमिट कार्ड ऑनलाइन डाउनलोड करना है। आनंद विहार के लिए 25 को निकाली जाएगी स्पेशल ट्रेन। रेलवे यात्रियों के लिए खुशखबरी, आनंद विहार से भागलपुर जाने वाली साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन 25 अक्टूबर से चलाई जाएगी। ज्ञात हो कि यह ट्रेन 24 अक्टूबर और 31 अक्टूबर को आनंद विहार से खुलेगी, वहीं 25 अक्टूबर और 1 नवंबर को यह ट्रेन भागलपुर से रवाना होगी। आपको बता दें कि यह ट्रेन सिर्फ 2 हफ्तों के लिए ही चलाई जाएगी। पटना में उपलब्ध सब हाउस की गिनती भूली सीता साहू। भारी बारिश के बाद अभी भी पानी की निकासी कई जगहों से नहीं हुई है। इस साल की बारिश ने नगर निगम के चेहरे पर विकास नाम की धूल को धो दिया है। इसी बीच मीडिया को सफाई पेश करने के दौरान मेयर सीता साहू ने सम्प हाउस की गिनती भूल गई, जिसके बाद उन्होंने कहा कि पटना के सभी 49 सम्प हाउस काम कर रहे हैं, लेकिन पटना में केवल 39 सम्प हाउस हैं। इसके बाद भी वो बयान देने से नहीं रुकी। उन्होंने बिहार के मौजूदा हालात का सारा ठिकरा सरकार के सिर पर मढ़ दिया। क्रिकेट बल्लेबाज रोहित शर्मा भारत के 8वें बल्लेबाज बन चुके हैं। बता दें कि साउथ अफ्रीका के खिलाफ विशाखापट्टनम में खेले जा रहे पहले टेस्ट मैच की दूसरी पारी में सलामी बल्लेबाज के तौर पर उन्होंने भारत के लिए बतौर ओपनर अपने टेस्ट मैच की 2 ओपनिंग इनिंग कर चुके हैं। बता दें कि अब रोहित शर्मा बतौर ओपनर 200 मैच पूरे कर लिए हैं। बिग बॉस के घर में एंट्री मारेगी हिना खान। अब बिग बॉस सीजन 13 का शुभारंभ हो चुका है। बिग बॉस की एक्स कंटेस्टेंट हिना खान जल्द ही बिग बॉस के घर में नजर आने वाली हैं। हिना खान ने अपने इंस्टा अकाउंट में एक तस्वीर शेयर किया है, जिसमें उन्होंने लिखा है, जब मिस खान मिस्टर खान से मिली, सलमान खान आपके साथ स्टेज शेयर करना हमेशा बहुत खास होता है। बिग बॉस के जरिए मैं पिछले 4 सीजन से आपसे मिल रही हूँ। हिना की इस पोस्ट के बाद बिग बॉस फैंस को हिना के बिग बॉस हाउस में एंट्री की खबर से काफी खुश है। रामकृपाल यादव ने नीतीश सरकार पर कसा तंज। पाटलिपुत्र से भाजपा सांसद रामकृपाल यादव ने नीतीश सरकार के अधिकारियों पर तंज कसते हुए कहा है कि पटना को डुबोने के लिए पूरी तरह से पटना के अधिकारी जिम्मेदार हैं। इसके साथ ही जदयू अधिकारियों पर इल्जाम लगाते हुए यह भी कहा कि आज बिहार में ऐसी लाल फीताशाही है कि एक सांसद का फोन कोई अधिकारी नहीं उठाता है। पटना को पानी पानी करने के लिए यहाँ अधिकारी ही जिम्मेदार हैं।
दशहरा मेले को लेकर शुरू किए गए कंट्रोल रूम, जिसके दौरान जिलाधिकारी एवं एसपी ने गड़बड़ी उत्पन्न करने वाले एवं विधि व्यवस्था से छेड़छाड़ करने वालों को चिन्हित कर थानाध्यक्षों को दिया आदेश। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।